गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आर्यन, जानवी, चैताली, गुड मॉर्निंग प्रदन्या, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग नंदिनी, गुड मॉर्निंग अनुष्का, गुड मॉर्निंग आदित्य, आर्यन, स्वयं, तृष्णा, साक्षी, नीनत, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग अश्लेषा, आ गए सभी लोग। आज तो हमारा फर्स्ट क्लास है, तो उम्मीद करता हूँ आज स्ट्रेंथ अच्छा रहे। गुड मॉर्निंग अथर्व, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था। बट कई लोग ये बोले कि नहीं, आज तो हमारे ऑफलाइन चालू हो गए हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाना होगा कई लोगों को। ओके चलो ठीक है। तो बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज काफी लंबे टाइम से हम पढ़ रहे हैं, अभी ठीक है बेटा, फाइन, ऑल इज वेल। आपने प्रे किए थे इतनी अच्छी बेटा। आइडिया नहीं बेटा मुझे साक्षी, ऑफलाइन से रिलेटेड आई हैव नो आइडिया। ओके जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। चलो विदाउट डिले किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में अगेन हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। वर्क सबमिट हो गया बेटा, नंदिनी का हो गया है। ओके वेरी गुड नंदिनी, ग्रेट। बाकी लोग सबमिट कर लिए क्या? बाकी लोगों का वर्क सबमिट हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार। नीट बैच आपका 2022 है। आपको सभी लोगों को वर्क समझ में आ गया है क्या और कैसा रहेगा? सभी लोगों को समझ गया है? बेटा सभी लोगों को सबमिट करना है, जो लोग नहीं सबमिट किए सबमिट कर दो। 17 स्टूडेंट दिख रहे मुझे सबमिशन वाले। आर्या, आदित्य, अनुष्का, यार सिर्फ 20 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं आपको डेली। और ये किसने फोटो खींचा देखो, आधे से ज्यादा शेडो आ रहा है। स्वयं ऐसा फोटो नहीं चलेगा बेटा। इसका डेडलाइन आज 3 बजे तक के है। 3 PM पे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रोवाइड करूंगा, ब्रीथिंग वाला। बट ब्रीथिंग के पहले तक के आपका ये सबमिट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं डाइजेशन का आप लोगों को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? डाइजेशन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। बट जैसे डाइजेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा तो आप लोगों को क्या करना है, कितने करेक्ट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितने छोड़े और टोटल कितने आए थे, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट बनाना है। और डाइजेस्ट मतलब ऐसा ये भी पोस्ट करना है आपको, समझे? आज आपको 3 पेज पोस्ट करना है। 3 पेज कैसे पोस्ट करूंगी वो भी समझा देता हूं, ठीक है? 3 पेज की पोस्टिंग ऐसी होगी कि सबसे पहले फर्स्ट पेज में आपका रिजल्ट रहेगा, चैप्टर का नाम लिख के भेजोगे, रिजल्ट आपका डाइजेशन का क्या आया। सेकंड पेज जो रहेगा ब्रीथिंग का आंसर रहेगा। आंसर कैसा है, जैसे 1 2 3, तो ABC 10 मिनट में ये हो जाता है बेटा ये काम इतना। थर्ड पेज जो रहेगा वो रहेगी एनालिसिस, इसमें आपको एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है वो नोट करके भेजना कि यह क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर का है या बाहर का है। इसलिए मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन के आसपास ही प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा। बट इसमें आप लोग देख के आंसर नहीं देंगे, बट इसमें आप लोग एनसीईआरटी से देख के सॉल्व करोगे, क्योंकि बिना देखे आपको सॉल्व करना, तब जाके आप नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट मुझसे शेयर कर पाओगे कितना है। ये सारे काम आपको खुद को करना है और ये आपकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट यहाँ आएंगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ऐसे 3 पेज आज आपके मुझे मिलना चाहिए। ये एनालिसिस ब्रीथिंग का ही रहेगा बेटा, डाइजेशन का एनालिसिस नहीं रहेगा। डाइजेशन का तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख के भेजूंगा आपको मैं, समझ गए? हेलो समझ में आ गया? 3 बजे आपको ब्रीथिंग का मिल जाएगा और 3 बजे डाइजेशन का लिंक एक्सपायर हो जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 बजे के पहले मैं ब्रीथिंग दे दूं बट डाइजेशन की एक्सपायरी जो है वो 3 बजे तक की रहेगी। रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी सभी लोग,
किसी को कुछ पूछना है बेटा, लिंक किसी को भी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली एक बार लिंक दे दिया हूं मैंने, वहां से सॉल्व करो आप। ठीक है, मैं आज फिर से गूगल क्लासरूम का एक और बार लिंक शेयर कर दूंगा। जिसे लिंक नहीं मिला, 3 बजे तक के का टाइम है। निनाद विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझा दिया। किसी के कुछ क्वेरी है, बहुत सारे चैट चले गए बेटा, किसी का रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा तो फिर से पूछ लो। 245 तक कर देंगे, हेवी कॉमन कोल्ड है और सोर थ्रोट है। ओके बेटा अथर्व। साक्षी बेटा आपके ऐप में अपडेट हुआ होगा, स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे भेजो और मुझे कॉल करो 11 बजे के बाद। एनालिसिस कुछ नहीं करना है बेटा, कोड शेयर करना है। बेटा जिसको भी प्रॉब्लम आ रही क्लास को ज्वाइन करने में, बाद में मुझसे पूछेंगे। डेली में एक ही काम नहीं करूंगा बेटा, बाकी लोगों का भी लॉस होता है। ठीक है, अब जिसे नहीं समझाओ बाद में पूछो मुझसे। ये चैप्टर बहुत लंबा जा रहा है हमारा, जल्दी से खत्म करना है हमें। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आपके 11 बजे क्लास है क्या? हाँ क्लास होगा। ठीक है, आप मुझे कॉल करो 3 बजे के पहले, कॉल कर लो यदि डाइजेशन से रिलेटेड है तो, और ब्रीथिंग से रिलेटेड है तो आप 3 के बाद कॉल करो। ठीक है, समझ गया? ओके चलो, तो टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। एक बार डिसीज का हम रिविजन लेते हैं, और फिर कैंसर के साथ एडोलसेंस वाला जो पार्ट है, ड्रग्स और ड्रग्स एडिक्शन वाला पार्ट है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो हम देखेंगे जल्दी से। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम लोग यहाँ पे देखो, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें कैसे एक्चुअली पैरासाइट या जर्म्स विद द हेल्प ऑफ माउथ और नोज, जैसे कोविड जो हो रहा है, ये कैसे हमारे लंग्स तक के जाके हमें अफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और डिफरेंट टाइप के जो डिसऑर्डर्स है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में स्टडी करने वाले हैं। ओके, ये सब तो आपका हो चुका था। ये एक ये वाला स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो बेटा आप लोग। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्लाज्मोडियम का स्पीसीज कितना टाइम इंक्यूबेशन होता है और कितना फीवर कितने टाइम में रिपीट करता है। हो गया? ठीक है, मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे, रिवाइज कर लेते हैं। मॉस्क्यूटो का इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है वो होता है स्पोरोजॉइट्स। क्या होता है? स्पोरोजॉइट्स। तो देखो, एक तो मॉस्क्यूटो में लाइफ साइकिल कैसे हो रहा है इसका कंप्लीट, और दूसरा ह्यूमन में लाइफ साइकिल कैसे हो रही कंप्लीट, ये दोनों भी हम लोग देखेंगे। ओके बेटा साक्षी, तो ये हमारा स्किन है, मॉस्क्यूटो ने बाइट किया, ये स्पोरोजॉइट्स उसके सलाइवरी ग्लैंड से हमारे लीवर तक के पहुंचता है। ये लीवर सेल है, लीवर में मल्टीप्लाई करता है, देन उसको रप्चर करता है, रप्चर करता है तब साइजोइड स्टेज कहलाती है, मीरोजॉइट्स बनते हैं उस टाइम पे। हो गया? एक मिनट बेटा, हाँ कोई तो भी आया है।
ओके चलो, क्या देख रहे थे हम लोग? देखो आवाज आ रहा है कि मेरा मॉस्किटो बाइट किया, आरबीसी के पास पहुंचा लीवर से होते हुए, देन उसके बाद आरबीसी को रप्चर करता है। जब आरबीसी को रप्चर करता है तो यहाँ पे इस स्टेज को में जो उसका डेवलप है, मतलब ये ऐसा सोचो कि मॉस्किटो से जब प्लाज्मोडियम बाहर निकलता है तो ये प्लाज्मोडियम का पहला फॉर्म है जिसे कहते हैं स्पोरोजॉइट्स। आपके एनसीईआरटी ने इतना डिटेल नहीं दिया है, ठीक है। फिर ये स्पोरोजॉइट्स थोड़ा सा मेच्योर होता है तो उसे कहते हैं म्यूरोजॉइट्स। फिर ये और मेच्योर होता है इस तरह से, इतना बड़ा हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं ट्रोपोजॉइट्स। बट ये कहाँ पर होता है ये भी याद रखना है। म्यूरोजॉइट्स बनता है लीवर में, आरबीसी में जो बनता है वो ट्रोपोजॉइट्स, मॉस्किटो के माउथ से जब निकलता है तो क्या कहलाता है स्पोरोजॉइट्स। फिर इस तरह से जब वो आरबीसी को रप्चर करते हुए बाहर निकलता है तो ये स्टेज साइजोंट स्टेज कहलाती है, ठीक है। यहां पर भी सेम था, ये मेच्योर साइजोंट था, फिर से यहां से बाहर निकला आरबीसी को रप्चर करते हुए, तो अब न्यू आरबीसी को भी अफेक्ट करेगा। और कुछ इसमें से गैमेटोजेनेसिस होता है जिससे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। मॉस्किटो जब इसको अगेन जब बाइट करता है तो सक करता है ब्लड, सक करते ही अभी जो गैमेट्स रहते हैं माइक्रो और मैक्रो गैमेट वो फ्यूज होते हैं मॉस्किटो के स्टमक में जाके, जिससे बनेगा जायगोट। और जायगोट का जो डेवलपिंग स्टेज जो रहता है उसे कहते हैं ओकाइनेट्स, जिससे बनते हैं ओसिस्ट, एग लाइक स्ट्रक्चर। देने ब्रस्ट होता है तो उसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स होते हैं। ये एक्चुअल मलेरिया का लाइफ साइकिल है बेटा, कई स्टूडेंट को नहीं मालूम रहता, समझता नहीं है। इतने अच्छे से इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है एक एक पार्ट, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इसे सॉल्व कर सकते हो, फिर याद रखना बेटा। ओके, इंफॉर्मेशन सारी मिलनी चाहिए आपको, तभी आपको हेल्प मिलेगा। अमेबियसिस एक कॉजल ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है, ये दिख रहा है आपको, एंटामीबा हिस्टोलिटिका जिससे डिसीज कॉज होती है, अमीबिक डिसेंट्री भी इसे कहते हैं। जनरली इसमें जो इन्फेक्शन होता है तो देखो डिसीज क्या है, साइट ऑफ इन्फेक्शन आपको मैंने एक ऐसा टेबल बनाने के लिए कहा था, आपने बनाए होंगे तो ठीक है, बहुत से लोग नहीं बनाए हैं, मैंने देखा हूं। तो ये हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है वहां पे अफेक्ट करेगा, ठीक है। पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होता है। सिम्टम्स यदि हम देखें तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमेन पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। जो एक्सक्रेटरी वेस्ट जो निकलता है बाहर वो म्यूकस और ब्लड क्लॉट के साथ निकलता है, जिससे पर्सन का डेथ तक के भी हो सकता है। ट्रांसमिशन इसका जो होता है फिकल ओरल रूट, डर्टी हैंड, कंटामिनेटेड फूड वाटर, ये वाला पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विथ एनिमेशन। जो लोग क्लास में नहीं थे उन्होंने इतना अच्छा क्लास मिस किया है, ठीक है, कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कितने सारे वहां पे पार्ट्स मैंने आपको फील कराया था, रियल लाइफ में भी उसको आप अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे हाउस फ्लाई जो होता है एक मैकेनिकल कैरियर होता है इस डिसीज को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, ड्रिंकिंग वाटर यदि कंटामिनेटेड है, रॉ वाटर यदि हम यूज कर रहे हैं तो उससे भी डिसीज हो सकती है। डायग्नोसिस इसका ये जैसे मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल, टिनिडेमेक्स, ये ड्रग्स है जिसका यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमें करना पड़ता है स्टूल सैंपल का, तब हम फाइंड कर सकते हैं क्या हुआ है। ओके, तो ये था एक डिसीज एस्केरियस लिब्रिकॉइड्स एस्केरियसिस, मेल फीमेल वॉर्म जो अलग अलग दिखाई देते हैं बेटा, ठीक है, जिससे एस्केरियसिस होता है, ये भी हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ही अफेक्ट करता है। ओके, एस्केरिस लिब्रिकॉइड्स जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी में कंप्लीट नेम नहीं दिया है, याद रखेंगे। राउंड वॉर्म है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, ये भी याद रखना है। ये एंडो पैरासाइट होता है, ये भी याद रखना है। ओके, निमेटोडा होता है, ये भी याद रखना है। साइन सिम्टम्स ऐसे है इसके कि डिस्कम्फर्ट फील होगा, वोमिटिंग होता है, फीवर होता है, वॉर्म्स फिकल मैटर में भी देखने को मिलता है, लंबे टाइम तक लाइव करता है, ठीक है। और पल्मोनरी डिसऑर्डर देखने को मिलती है कुछ पेशेंट्स में, जैसे कि स्पेशली निमोनाइटिस हम कह सकते हैं, मतलब हमारा जो एल्वोलर वॉल जो होता है ना वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाता है, और इन्फ्लामेशन आया तो गैसेस एक्सचेंज लॉस होता है, तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लग जाती है, भूख प्यास जो है नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाता है, ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। इओसिनोफिल के नंबर बढ़ जाएंगे, जिसे इओसिनोफिलिया कहते हैं,
ठीक है, इंटरनल ब्रीडिंग होती है, मस्कुलर वाटर एग, ठीक है, ये सारी चीजें जो होता है ये जिसकी हेल्प से ये जो डिसीज है ये ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट आता है फाइलेरियसिस, ये फाइलेरियल वॉर्म है, व्हिच एरिया बैनक्रॉप्टी कहते हैं इसे, एलिफेंटासिस भी हम इसे कहते हैं। ओके, ये भी एक वॉर्म है, ये एक निमेटोडा है, ये याद रखना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, व्हिच एरिया बैनक्रॉप्टी और मलाई फाइलेरियल वॉर्म जिससे डिसीज होती है। ओके, जनरली हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसे अफेक्ट करता है, तो साइट ऑफ इन्फेक्शन यदि हम देखें तो लिम्फेटिक सिस्टम और लोअर लेग्स जो होते हैं वो वहां पे इन्फ्लामेशन आ जाती है। टाइप्स है इसमें, एक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस होता है, एक सबक्यूटेनस फाइलेरियसिस होता है, और एक एब्डोमिनल कैविटी में यदि अफेक्ट कर रहा तो उसे सेरस फाइलेरियसिस कहते हैं। तो ऐसे थ्री टाइप्स होते हैं, कुछ कंडीशन पर्सन की ऐसी हो जाती है, देखे होंगे आपने। ओके, जो हमारा अंडरलाइंग टिश्यूज जो होता है वहां पे एडिमा हो जाता है, जिसको हम थिकनिंग ऑफ स्किन कहते हैं, लेग्स आर्म ब्रेस्ट क्रोटम, ये सभी जगह पे ये जो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो चेयर एरिया वो अफेक्ट करता है। ओके, अब लाइफ साइकिल भी आता है इसका, बट हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जितना दिया उतना ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, थोड़ा सा थ्योरी है, डायरेक्ट थ्योरिटिकल बेस देख रहे हैं तो भी थोड़ा सा लाइफ साइकिल समझ लो कैसा होता है। जब मॉस्क्यूटो ने बाइट किया तो उसने क्या किया, ब्लड मिल जब सक कर रहा होता तो उसी टाइम पे इसके जो लार्वी होते हैं हमारे ब्लड में छोड़ देता है, छोड़ते ही इसका इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है लार्वल स्टेज होती है, देन ये हमारे बॉडी में गया, देन ये डेवलप होता है। तो इस तरह से मेल और फीमेल वॉर्म जो होता है वो अलग अलग रहते हैं, देन इस तरह से ये डेवलप होता है, उसकी अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलती है। अब एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दिया इसलिए बहुत डिटेल नहीं पढ़ा रहा, और इसकी मोल्टिंग स्टेज भी होती है बेटा, छोटे लार्वल से डेवलपमेंट होते रहता है, ठीक है, देन ये पर्सन को अफेक्ट करते रहता है। सिंपल टर्म में समझाया, ज्यादा डिटेल का जरूरत नहीं है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, जैसे से फ्लाई होता है जिसकी हेल्प से, या फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो होता है इसकी हेल्प से ये जम्स जो है, मींस जो वॉर्म है वो फैलता है स्किन को पेनिट्रेट करते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच के अफेक्ट करता है। 8 से लेकर 6 मंथ तक के का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम देखें तो है कुछ, जो कि वीक में हमको 5 डे और हर 6 मंथ के बाद हमको, मतलब ट्वाइस अ डे 3 वीक, कौन सा, डाइएथिल कार्बामेजीन सिट्रेट ये दी जाती है, 5 डे हर 6 मंथ में देना होता है, तब जाके वॉर्म किल होता है। प्रिवेंशन कंट्रोल, प्रिवेंशन इज बेटर देन कंट्रोल, मैं पहले ही कहूँ आप लोगों को, मॉस्किटो नेट का यूज करो, इंसेक्टिसाइड का यूज करो और बचे बचे रहो। टाइफाइड हमने पढ़े थे पहले, किससे होता है, साल्मोनेला टाइप ही इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है बेटा साल्मोनेला टाइफी, ये याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने पहले नहीं समझाया था आपको। ओ एंटीजन, देखो पैथोजेंसिटी मतलब ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के आउटर वॉल जो होता है और यहाँ पे फ्लेजिला होता है, ठीक है, तो ओ एंटीजन और लाइपोपॉलीसेक्राइड से बना होता है इसका सरफेस कोट, जो इसकी पैथोजेंसिटी को डिसाइड करता है, और जो फ्लेजिला होता है इसमें एच एंटीजन है। ओके, अब ये इसका मैंने हिस्ट्री थोड़ा सा समझाया था आपको, टाइफाइड मैरी जो है, मैरी मेलोन जिसका निक नेम था, जो कुक थी, टाइफाइड कैरियर थी वर्ल्ड वाइड, इसने काफी लंबे टाइम तक के टाइफाइड को फैलाया है। फीवर लंबे टाइम तक के रहता है बेटा जनरली, नोजिया फैटिग हेडेक ये देखने को मिलता है, 38 से 39 डिग्री सेल्सियस या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर जो है देखने को मिलता है। एब्डोमेन पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रोज कलर के रेसेस स्किन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, व्हाइट कोट, टंग, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ब्रेथलेसनेस, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, हेमरेज, ब्लीडिंग होने लग जाती है, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती है बेटा।
ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही है, फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न डिसीज है ये। हाउस फ्लाई और कॉकरोच हमारे फूड को कंटामिनेट कर देता है जिससे डिसीज होता है। ओके, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट विडाल टेस्ट इसका डायग्नोस है, मैंने लास्ट टाइम समझाया था इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं समझाऊंगा यहाँ पर इस चीज को। कुछ एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं जैसे क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड के अगेंस्ट दी जाती है। WHO ने कुछ वैक्सीन भी रिकमेंड किया है टाइफाइड के लिए, ठीक है ये ले सकते हैं। निमोनिया के दो कंडीशन है, एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस होता है और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से निमोनिया कॉज होता है। ओके, मतलब ये जो जर्म्स है डायरेक्टली हमारे लंग्स में जब पहुंचेंगे तो हमारे लंग्स या एल्वोलाई जो होता है लंग्स वहां पे इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं। इन्फ्लामेशन कॉज हुआ तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगा। एडिनो वायरस, पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस RSV, ये कुछ वायरस है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। हाँ, एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या फिर फंगस जो है बेटा ये भी इन्वॉल्व होता है निमोनिया कॉज करने के लिए, जिसको हम निमोसाइटिस कहते हैं। ओके, तो ये फंगस के नेम है बेटा, बट एनसीईआरटी में नहीं है तो याद नहीं रखना है, छोड़ सकते हो आप ये। हाँ, कोई भी पैथोजन भी अफेक्ट करेगा तो निमोनिया हो जाएगा बेटा, ठीक है। कुछ केमिकल्स की वजह से भी निमोनिया होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैथोजन्स की वजह से ही निमोनिया होता है। कुछ केमिकल्स जिसको हम एलर्जेंस कह सकते हैं, यदि वो हमारे लंग्स में गया इरिटेट किया तो कफ बन जाएगा ना, कफ बना मतलब हमारा लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, उससे भी निमोनिया होता है। कुछ फिजिकल इंजरी हो गई लंग्स में तो भी निमोनिया हो सकता है। साइनम सी है स्पुटम कफ से हम कहते हैं, ये उस टाइप से आएगा। फीवर बहुत हाई हो जाता है, ब्रीथिंग जो है बहुत कम होती है जिसे डिस्पिनिया कहते हैं मेडिकल टर्म में। चेस्ट पेन होता है बेटा और डीप ब्रीथिंग होती है, कफिंग होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, फैटिक, हेडेक ये देखने को मिलता है। वॉमिटिंग होगा, ज्वाइंट्स पेन, ये सारी कंडीशन निमोनिया में देखने को मिलती है। ये वाला आपका एनसीईआरटी का पार्ट है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है यदि हम देखें तो निमोनिया जनरली डायरेक्टली पर्सन आ जा रही है, ठीक है। इसलिए देखो सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ड्रॉपलेट इंफेक्शन होता है पर्सन टू पर्सन, ये डिसीज सिक पर्सन कफ एंड स्नीज, तो ये डिसीज जो है वो क्या होती है फैल जाती है। पर्सन के जो कपड़े होते हैं बेटा या उसके एसेसरीज स्पेशली मोबाइल फोन, समझे, पेन आप जो यूज करते हो राइटिंग के लिए, यदि एक पर्सन अफेक्टेड है और हेल्दी पर्सन ने यदि उसका कुछ भी पार्टिकल्स कुछ भी क्या कह सकते हैं यूटेंसिल्स यूज कर लिया तो उसे वो डिसीज स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो कॉमन कोड तो आप जानते हैं बेटा, वायरल डिसीज है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक का अपर पोर्शन जो है उस पर अफेक्ट करता है, ठीक है। कोल्ड कंडीशन देखने को मिलती है, राइनो वायरस और कोरोना वायरस, ये दोनों की वजह से कॉमन कोड होता है। ओके, ये ग्रुप ऑफ वायरस है बेटा, ये कैटेगरी है वायरस की। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स है, अभी कोरोना वायरस में कोविड जो है ये एक अलग है, ये उसकी कैटेगरी में आता। मतलब कोरोना वायरस जो है ये आपके 1997 के आसपास या 87 के आसपास इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, आज का नहीं है ये। सिम्टम्स एक जैसे ही रहेंगे बेटा दोनों में, कुछ अलग नहीं रहते।
सिम्टम्स हो, ये कफ है, सोर थ्रोट रहेगा, रनी नोज रहेगा, फीवर रहेगा, मेन डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं पहचान सकते। नेजल कंजेशन रहेगा, स्नीजिंग रहेगा, कंजक्टिवाइटिस रहेंगी, आंखों में लालपन दिखेगा, रेड आइज, मसल्स रेसेस रहेंगे, फैटिक होगा, हेडेक होगा, ठंड लगेगी, भूख प्यास नहीं लगेगी, और ये आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। समझे, ऐसा होता है ये सब। प्रिवेंशन कंट्रोल यही है कि जो सिक पर्सन है, जो सफर कर रहा है कॉमन कोल्ड से, उससे दूर रहो। हैंड कितने अच्छे सैनिटाइज कर सकते हैं, स्नीजिंग कफिंग जो है हैंकरशिप का यूज करना चाहिए। ओके, नोज माउथ को अच्छी तरह से कवर करके रखो। अभी मास्क देखो क्या हुआ मालूम है, मास्क पहनने को लिए तो लगा दिया, लेकिन जो कफिंग स्नीजिंग होती है वो मास्क हटा के लोग ऐसा करते हैं ताकि वो जर्म्स एयर में ही जाए, और एयर बोन पैथोजन है वो, तो अफेक्ट हो ही रहा है। अभी आप देखना इतना ज्यादा जो कॉमन कोल्ड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है ना लोगों में, हर घर में सर्दी खांसी जो देखने को मिल रही है, उसका रीजन यही है कि हर पर्सन रास्ते में, आप जब घर से बाहर निकलो ना तो हर कोई कफिंग स्नीजिंग हो रहा है बेटा, हर किसी का। अब वो क्या करते हैं, हैंकरशिप का यूज ही नहीं करते, वो टोटल एलर्जेंस को एयर में स्प्रेड कर देते हैं। अब बेटा वो हो सकता है कि कुछ देर पहले किसी पर्सन ने वहां पे कफ और स्नीज किया होगा, हम थोड़ी जानते, हम तो वहां पे चले गए, हमें थोड़ी मालूम था, और यदि हमने मास्क नहीं पहने हैं तो वो एलर्जन, वो जर्म्स हमारे बॉडी में चला जाएगा ना, भले उसने 1 घंटे पहले वहां पे कफ और स्नीज करके गया होगा, और आप वहां पे चले गए और आपको ऐसा लगेगा यहाँ पे कोई भी तो नहीं है, ठीक है, हो गया। वेदर भी रीजन रहता है बेटा, एकदम ठंडी गर्मी, ठंड गर्म, ये सारी चीजें। रिंग वॉर्म, अभी 2 दिन पहले कोई तो भी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि पास्ट ईयर में आया हुआ बेटा, ये रिंग वॉर्म बेटा, रेड कलर के ऐसे रेसेस देखने को मिलते हैं, एक फंगस है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, उसकी वजह से होता है। ओके, डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं इसे, ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम, स्किन में इंफेक्शन देखने को मिलता है, बहुत सी फंगल डिसीज इसी जेनेरा से बिलोंग करता है। जनरली हमारे स्किन पे जो केराटिन प्रोटीन, हेयर्स, नेल्स, वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है, उसको खाती है ये। साइन और सिम्टम्स देखो किस तरह से, ये जो है छोटे बच्चे जब हम थे और जब पानी में खेलते थे बिना चप्पल जूते के, बेयर फुट, एथलेट फुट कहते हैं इस डिसीज को, ये होती थी। ओके, पेनफुल सेंसेशन होता है, बर्निंग होता है, इचिंग होता है, ड्राई स्केलिलेशंस देखने को मिलते हैं बेटा हमारे बॉडी में, रेड कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है। ओके, तो ये फंगल इन्फेक्शन है बिटवीन द टोज देखने को मिलेगा, और ये फंगल डिसीज, स्किन डिसऑर्डर बेटा, लोगों के क्लॉथ को शेयर करने से, आप जो कंघी जो यूज कर रहे हैं, यदि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने उसे छुआ, यूज किया, और आप लोग यदि यूज करोगे तो आपको भी हो जाएगा, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट से भी हो जाएगा, बहुत खतरनाक होता है बेटा ये स्किन डिसीज, एक को वह सबको लेके जाता है फिर ये। ठीक है, कुछ ड्रग्स है वैसे जिससे इसका ट्रीट किया जा सकता है। तो ये था बेटा कुछ डिसऑर्डर। अब हम इस चैप्टर के अंतिम चरण पे पहुंच गए हैं, इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक जो डिसीज है वो वाला पार्ट, एक हमारा इम्यून सिस्टम वाला पार्ट, और लास्ट ड्रग्स, एडिक्शंस और एडोलसेंस वाला पार्ट, ऐसे डिफरेंट पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया था। कैंसर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका मैंने अलग से ऐसा कोई स्लाइड जो है वो नहीं बनाया हूं, तो कैंसर जो है किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, नहीं पूछना है तो आगे हम लास्ट वाला पोर्शन जो है कंटिन्यू करेंगे, और चैप्टर हमारा आज आज देखते हैं, ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर आज हमारा एंड हो जाए। ओके,
देख लेते कहां तक पहुंचे थे हम लोग लास्ट टाइम इस स्लाइड में। इम्यूनिटी हो गया था हमारा, इस स्लाइड से हमने पढ़े थे, ये वाले स्लाइड से सबसे पहले पढ़ाया हूं मैंने आपको। गणेश वाण्स कैंसर वाली स्लाइड रिपीट करना है। ओके आर्यन क्या बोलना चाह रहे हो, नहीं समझा मैं। बेटा जितने लोगों के असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुए कंप्लीट कर लो, अगेन आपके पेरेंट्स के साथ मैं एक और मीटिंग लेने वाला हूं, ठीक है, होगी। और इस बार तो ऐसा हुआ था कि कुछ पेरेंट्स के साथ कुछ बच्चों के साथ हुआ था, आगे ऐसा नहीं होगा। जिसका वर्क इनकम्प्लीट मिला उनके पेरेंट्स से मैं पहले बात करूंगा इस बार, समझ गए, उनको साथ में बैठा लूंगा और पूछूंगा कि ये क्या है ये। आप सोचोगे नहीं हमारे पेरेंट्स तो कुछ करते नहीं है, पप्पा की जगह मम्मी को ला लो और मम्मी हिस्ट्री के तो पप्पा को ला लो, काम जम जाएगा। तो बेटा ये काम अभी जमा लोगे आप, फाइनल एग्जाम में क्या करोगे फिर। आज आप लोगों को मैं ये वाला स्लाइड भी शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है, ये वाली स्लाइड भी आपको मिल जाएगी। अब मुझे बताओ पीपीटी फॉर्मेट में देना है या पीडीएफ फॉर्मेट में देना है। एनिमेटेड पीपीटी चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, दोनों भेज देता हूं। न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा, इसी चैप्टर का लास्ट पोर्शन रह गया हमारा, वो स्टार्ट कर रहा हूं, ड्रग्स वाला, ठीक है बेटा। कुछ लोगों को पीपीटी फॉर्मेट में चाहिए वो भी शेयर कर देता हूँ, जिसे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए वो भी शेयर कर देता हूँ। ये सब हो गया था हमारा, कैंसर भी हो गया था बेटा। गणेश कैंसर में क्या पूछना है वो पूछो, मैं इतना सारा रिवाइज कैसे करूं, ये वाली स्लाइड से हो गया था इसलिए मैं रिवाइज नहीं करूंगा। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो। अच्छा कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि कैंसर सारा एक बार फिर से रिवाइज कर दो, रिस्पॉन्स करो। यदि सभी लोगों का होगा तो रिवाइज कराता हूँ, या पर्टिकुलर कुछ होगा तो वो पूछ लो बेटा, नहीं तो फिर हम ये वाला पार्ट देखेंगे। रेज योर हैंड क्विकली, ओनली गणेश और थ्री पार्टिसिपेंट का हैंड रेज हुआ है। एट पार्टिसिपेंट हैंडल्स किए हैं, चलो ठीक है बेटा, कैंसर रिवाइज करवा देता हूँ। देर आर सो मेनी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू रिवाइज दिस टॉपिक। ओके चलो ठीक है, ओके स्टार्ट कर रहे हैं अभी हम लोग कैंसर। कैंसर में एक ही चीज याद रखना बेटा कि नॉर्मल हमारा जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, तो मियोसिस या माइटोसिस में एक पैरेंटल सेल डॉटर सेल बनाएगा, देन प्रोसीड होगा, देन अगेन डिवीजन होगा। बट कैंसर में क्या होता है कि ये जो सेल्स है ये अनकंट्रोल्ड हो जाता है, और ये इतना ज्यादा डिवाइड करने लगता है कि ये नियर बाय सराउंडेड कोई टिश्यू भी रहे तो उसको भी डैमेज कर देता है, और उसके बाद भी इसका डिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, जिसको हम ट्यूमर भी कहते हैं। हाँ हैंड लोअर कर सकते हो, अभी कर दो हैंड लोअर। तो अब यहाँ पे ये चीज यहाँ पर हो रहा है कैंसर में। कैंसर की यदि हम बात करें तो जनरली एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड डिवीजन हम कह सकते हैं। नॉर्मल सेल में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन देखने को मिलता है, बट कैंसर सेल में मास ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। मतलब कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब यदि कोई सेल डिवाइड हो रही है और वो
किसी एक बाजू वाले टिश्यू तक के पहुंचेगा और उसको ऐसा लगेगा कि नहीं अब और जगह नहीं है, तो उस टिश्यू के टच में जैसा आया तो अपने डिवीजन को रोक देता है। ऐसा नॉर्मल सेल में होता है, लेकिन कैंसर सेल उसको तोड़ देगा, चीर देगा, फाड़ देगा और उसके बाद वो आगे बढ़ जाएगा। मतलब वो डिवीजन को रोकता नहीं है, ऐसा होता है बेटा। तो नॉर्मल सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करता है, बट कैंसर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ट्यूमर्स जो है इसके जो टाइप्स है जनरली दो टाइप के होते हैं, एक जो जस्ट हुआ है जिसे मैलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और जो लंबे टाइम के तक के रहेगा उसे मैलिग्नेंट कहते हैं, जब कंप्लीट बॉडी में फैल जाएगा। बिनाइन ट्यूमर टाइम के पहले डिटेक्ट हो गया तो इसकी कंट्रोलिंग पॉसिबल है, बट इसको हम कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। कैंसर के टाइप्स भी है बहुत सारे, कहाँ पे कैंसर हो रहा है। पहले तो बिनाइन ट्यूमर को थोड़ा सा डिटेल में हम जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। जस्ट स्टार्टिंग, शुरुआती दौर, ठीक है, और कंफर्म हो गया, और ये दूसरे पार्ट पे कभी भी स्प्रेड नहीं होता बेटा बिनाइन। लेकिन मैलिग्नेंट जो है ये हुआ तो यहीं से टिश्यू का एक टुकड़ा टूटेगा और हमारे ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से यदि बॉडी के दूसरे पार्ट पे भी गया तो वहां पर भी अफेक्ट करना चालू करता, मतलब फुल बॉडी में फैल जाता है ये। ओके, इस तरह से होता है। और बिनाइन ट्यूमर में डैमेज बहुत कम होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ना हमारे बॉडी को डैमेज कर देता है। देखो कितना खतरनाक होता है, फुल एंटायर बॉडी सरफेस सेल्स कंटिन्यूअसली परिफरेट होते रहेगी, ट्यूमर सेल्स ये चलते ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। इतना समझा, सभी लोग रिस्पॉन्स करो ताकि आगे बढ़ेंगे हम। सेवनटीन रेस्पॉन्स ही मिले मुझे अभी तक के, बाकी लोग, कई लोगों ने तो ठान के रखा है कि रेस्पॉन्स हमें नहीं देना है। चलो ठीक है, इतने सिलेक्शन है हमारे पास, ये मान के चलूंगा मैं, रेस्पॉन्स जिसका सिलेक्शन उसका। हाँ बिनाइन क्योर हो सकता है, बिनाइन क्योरेबल है। सेल की जो एक्टिव डिवीजन और ग्रोथ होती है उसमें, मतलब जो कैंसर सेल जो होता है वो नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पिटिट करता है, और नॉर्मल सेल को हमारा फूड खाने नहीं देता क्योंकि ये बहुत भूखा होता है। ओके, कॉम्पिटिट करेगा और खुद सारा न्यूट्रिएंट को खा लेगा, इसका एक एडवांटेज भी है हमारे लिए। हम जब कोई ड्रग्स या केमिकल्स का यूज करते हैं तो वैसे तो केमिकल हमारे नॉर्मल सेल को भी अफेक्ट करता है, बट कैंसर सेल इतना भूखा होता है कि सबसे पहले वही खा लेता है, इसलिए उसका डेथ होता है और नॉर्मल सेल को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। मेटास्टेसिस एक ऐसा टर्म है जिसमें ये इस लोकेशन पे कैंसर था, तो इसका एक सेल टूटेगा और ब्लड स्ट्रीम की जगह कहीं और पहुंचेगा, और वहां पहुंचने के बाद फिर उस टिश्यू और ऑर्गन में फिर से मल्टीप्लाई करके वहां पे भी डैमेज कर देगा। इस टर्म को मेटास्टेसिस कहते हैं। बिनाइन एक ही लोकेशन पे होता है। कैंसर कॉज करने वाले कुछ एजेंट होते हैं बेटा, बायोकेमिकल, फिजिकल, ऐसे अलग अलग टाइप के एजेंट होते हैं। फिजिकल एजेंट होता है, ठीक है, टेम्परेचर, यूवी इंडेक्स, केमिकल्स हम जो यूज कर रहे हैं। बायोलॉजिकल में जो हमारा जेनेटिक चेंज होता है जिसको हम ऑन्कोजीन कहते हैं, कैंसर कॉजिंग जीन, या फिर एक रेट्रो वायरस है जो कैंसर कॉज करता है। नहीं बेटा गणेश, ऐसा नहीं होता, G0 फेज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। रेडिएशन तो आप जानते हैं, एक्सरेज, गामा रेज, यूवी रेज, जो हमारे डीएनए को डैमेज कर सकता है,
टोबेको स्पेशली लंग्स कैंसर, वाइनिल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, मस्टर्ड गैस, ये सारे जो है कैंसर कॉज करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक जो वायरस होते हैं, रिट्रो वायरस हम कहते हैं, या कुछ ऑन्कोजीन्स जो होते हैं हमारे जो बॉडी में नॉर्मल सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी कैंसर कॉज कर सकते हैं, करते ही है। डिटेक्ट करना है या डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं या कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर को, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। एक तो बायोप्सी, बायोप्सी में क्या होता है, छोटा सा एक टुकड़ा टिश्यू या मासेस ऑफ टिश्यू हम ले करके जब हम उसको एनालाइज करते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सीटी स्कैन की हेल्प से या एक्सरे वगैरह जो होता है उसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं, और कुछ एंटीबॉडी भी डिटेक्ट करती है कैंसर को। हम मॉलिकुलर बायोलॉजी की टेक्निक जिसमें हम डीएनए लेवल पर तक के जाके देख सकते हैं कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन हुआ है क्या, और कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बायोप्सी की हम बात करें तो सस्पेक्टेड जो टिश्यूज है उसका पीस लेके हम उससे स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं। इस टर्म को हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ओके, ल्यूकेमिया हुआ है तो वहां पे हम ब्लड और बोन मेरो का टेस्ट करते हैं, सेल के काउंट्स कितने हुए वो देखते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, जो रेडियोग्राफी टेक्निक्स है, एक्सरे हो गया, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखना है। थ्री डी इमेज की हेल्प से हम देखते हैं, एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस का हम यूज करके हम लिविंग टिश्यू की कंडीशंस को फाइंड कर सकते हैं। एंटीबॉडीज जो होता है कैंसर स्पेसिफिक एंटीबॉडी हम प्रिपेयर करे हैं रिसर्च करके, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। ओके, और वो एंटीबायोटिक कैंसर सेल से ही जाके बाइंड करता है, जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि ये जो सेल है कैंसर वाला सेल है। मॉलिकुलर टेक्निक तो आप जानती हो, मॉलिकुलर बायोलॉजी लेवल पे हम डीएनए को चेक करेंगे, लैब में उसके जीन्स को फाइंड करेंगे, ताकि समय के पहले यदि डिटेक्ट हो गया तो हम कैंसर जैसे डिसीज से प्रोटेक्शन ला सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस है। इसके बाद रेडियोथेरेपी यूज होता है ट्यूमर सेल्स की यदि हम बात करें, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ट्रीटमेंट। अभी तक के हम लोगों ने क्या देखे, सबसे पहले कैंसर क्या है, कैसे होता है, कैसे स्प्रेड हो रहा है, उसके बाद हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखे, ठीक है। क्या कॉज होता है, कैसे कॉज होता है कैंसर, कितने टाइप का ट्यूमर होता है, ये सब देखिए। अब इसके बाद फाइनली अब क्या ट्रीटमेंट है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो होता है रेडियोथेरेपी। जैसे ट्यूमर सेल्स जो होता है उसमें हम लोग रेडिएशंस जो होता है वो यूज करते हैं, और रेडिएशंस क्या होते हैं, पर्टिकुलर जहां पे इफेक्ट हुआ है उतनी ही जगह हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि नॉर्मल सेल डैमेज ना हो और कैंसर सेल डेथ हो जाए। केमिकल्स का हम यूज करते हैं कीमोथेरेपी में, बहुत सारे ड्रग्स यूज करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कैंसर सेल बहुत भूखा होता है, तो नॉर्मल सेल के साथ कॉम्पिटिट करेगा, ज्यादा से ज्यादा केमिकल वो खुद खा लेगा। नॉर्मल सेल को थोड़ा सा अफेक्ट होता है बट कैंसर सेल ज्यादा अफेक्ट होती है, बट इसका साइड इफेक्ट यही है, हेयर लॉस और एनीमिया। इम्यूनोथेरेपी भी हम देते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट हम लगाते हैं, बायोलॉजिकल मॉडिफायर का हम यूज करते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, जिसकी हेल्प से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर ट्यूमर सेल को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ये याद रखना है। और कुछ नहीं रहा तो आखिरी ऑप्शन है सर्जरी, और सर्जरी तो आप बहुत अच्छे से जानते ही हो क्या है। तो ये कॉम्बिनेशन जो होता है बेटा, कभी कभी सारे कॉम्बिनेशन में भी हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था आपका कैंसर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम ड्रग स्मोकिंग एंड अल्कोहल अब्यूज, ये हम देखने वाले हैं। और ये वाला पोर्शन चालू होने के पहले किसी को कुछ पूछना है, ड्रग्स के टाइप से बेटा, कैनाबिनाइड्स, एल्केलॉइड्स, ओपियम, ओपियम ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, सारे हम पढ़ेंगे। मॉर्फिन है,
हाँ अभी ड्रग स्टार्ट होगा बेटा, नहीं ड्रग नहीं, सारा कुछ पार्ट हम आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थ्योरेटिकल बेस्ड है टोटल। ये ड्रग्स वो वाले ड्रग नहीं है बेटा जो हम जनरली मेडिसिन से के रूप में यूज कर रहे हैं, ये ड्रग एडिक्शन वाले ड्रग है। ड्रग में बेटा ऐसा क्या है जिसकी डिमांड इतनी ज्यादा है? पहली चीज तो ड्रग तो ड्रग है, और जिसकी डिमांड ज्यादा है उसके प्राइस हाई होंगे, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्चुअली इसके हाई नहीं है, प्राइस इसके नॉर्मल ही है, बट लोग इसको इलीगल यूज करते हैं इसलिए उसका प्राइस बढ़ गया, डिमांड बढ़ गई उसकी, ठीक है। हाँ ब्लैक में चलता है ना इसलिए। अब इसको लेकर के मेरे पास कुछ एनिमेशन थे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसकी स्लाइड है क्या मेरे पास, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मुझे यहाँ तक जहाँ तक याद है कि लास्ट टाइम जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें इसके बहुत अच्छे एनिमेशन बच्चों को शेयर किया था, बट अभी मुझे इस बार वो वाला स्लाइड दिखाई नहीं दिया है, लेक्चर 6 और लेक्चर 7। लास्ट ईयर का मेरा लेक्चर 11 आप लोग देख लेना, ओके। लेक्चर 11 में आपको ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यार, ये स्लाइड कहाँ गई, लेकिन ये इतना अच्छा स्लाइड है मेरे पास, एक मिनट। लास्ट ईयर का मेरे पास एक वीडियो है जो मेरी रिकॉर्डिंग है क्लास की, वो शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, देखेंगे। अभी लास्ट ईयर का स्लाइड है मेरा, ओके। चूंकि मैं डर से नाराज था, दूसरी बार चूंकि माँ बीमार थी, तीसरी बार तक मैं डर एडिक्ट हो चुका था। अब ऐसे बहुत सारे एनिमेशन आपको मेरे लास्ट ईयर के स्लाइड में मिल जाएंगे, फिलहाल नहीं है वो ऐसे एनिमेशंस, ठीक है, वो स्लाइड ही नहीं दिखाई दे रहा कहाँ पर है। तो ये बेटा लेक्चर नंबर 11 है मेरा, आप लास्ट ईयर के स्लाइड से देख लीजिए, और वो स्लाइड भी नहीं दिख रही किधर गई मेरी स्लाइड, दिखेगा तो मैं आपको यहाँ से शेयर करूंगा, ठीक है। हर एक स्टेप के बाद छोटा छोटा मैंने यहाँ पे बहुत सारा जो है पार्ट, लास्ट ईयर का स्लाइड अलग मिलेगा बेटा आपको, ठीक है, इस सर का स्लाइड अलग मिलेगा। तो टॉपिक पे आते हैं वापस जो हम देख रहे थे, स्टार्ट करें फिर ड्रग्स को, ड्रग्स के टाइप्स हम देख लेते हैं, बाकी सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। क्लास में है ना सभी लोग? कॉमनली जो अब्यूज जो ड्रग है जिसमें एक आता है ओपियोइड्स, सेकेंड है कैनाबिनॉइड्स, ये कैटेगरी है बेटा,
और थर्ड है कोका एल्केलॉइड्स, ये आप देख रहे हो ओपियोइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्केलॉइड्स। अब लोग इसे कैसे यूज कर रहे हैं और उनकी हालत देखो कितनी खराब हो जा रही है, ये वो खुद भी नहीं जानते। अब ये जो है यदि हम देखें तो जनरली ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होता है, किसके हम बात कर रहे हैं, ओपियोइड्स की हम बात कर रहे हैं। तो ओपियोइड एक रिसेप्टर होता है, वहां पे जाके ये बाइंड करता है। ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों जगह पे होता है। और वहां पे जब बाइंड किया तो बाइंड करने के बाद ये अपना इफेक्ट दिखाना चालू करते हैं। तो इसमें ओपियोइड में मॉर्फिन, हेरोइन और ब्राउन शुगर सबसे एक्सपेंसिव ये आती है। अब इसको लेने के बाद बेटा थोड़ा सा एनर्जेटिक फील होता है लोगों को, अच्छा लगता है, जिससे कोई टेंशन रहा तो टेंशन भी दूर हो जाता है ऐसा कहते हैं। ठीक है, जनरली मॉर्फिन हमारा जो है इसका बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज है। ये जो लेटेक्स होता है पॉपी प्लांट, देखो ये दिख रहा है, ये पॉपी प्लांट है। इस प्लांट में ऐसा चीरा लगा देते तो उसका लेटेक्स निकलता है, उस लेटेक्स से हम कलेक्ट करते हैं और ऐसे ड्रग्स हम बना रहे हैं। ये हमारे मेडिसिनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। इसका ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है, बट ऐसा ड्राइंग करने के लिए नहीं आएगा, कहाँ पे क्या है कैसा है ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये पेपेवर सोमनीफेरम ये प्लांट है, इस प्लांट से मॉर्फिन जो है ऑप्टेन होता है। और मॉर्फिन जो होता है जब उसका एसिटिलेशन किया जाता है तो फिर उसके डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो ये सेडेटिव है, पेन किलर है और जनरली हम इसे सर्जरी में यूज करते हैं। तो ये देखो हमारे मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, बट कुछ लोग इसका गलत यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो ड्रग है जैसे हीरोइन जो होता है, जनरली इसको हम स्मैक भी कहते हैं, जो डाई एसिटिल मॉर्फिन जो होता है ये भी हम इसे कहते हैं, वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। जनरली ये ऑप्टेन होता है मॉर्फिन के एसिटिलेशन से। ठीक है, और ये जनरली हम नोज के थ्रू एकदम खींच के, ये देखो दिख रहा है, इसको कहते हैं स्नोटिंग, और इंजेक्शंस की हेल्प से भी हम इस ड्रग को ऑप्टेन कर सकते हैं। जनरली ये एक डिप्रेजेंट की तरह काम करता है और हमारे बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देता है। किसका रोल हो गया ये हमारा, ओपियोइड्स का। सेकेंड ड्रग आते हैं हम कैनाबिनाइड्स पे, कैनाबिस सटाइवा एक प्लांट है, वहां से ये ऑप्टेन किया जाता है। ठीक है, जनरली ये भी हमारा जो ब्रेन में कैनाबिनाइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वहां पे प्रेजेंट होता है, इनहोलेशन के थ्रू और ओरल इंजेक्शन दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। ओके, नेचुरल कैनाबिनाइड्स जो है हमें इन्फ्लोरोसेंस जो होता है प्लांट का, ये प्लांट है बेटा कैनाबिस सटाइवा जिसको हम हेम्प प्लांट कहते हैं, इस प्लांट का ये इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस मतलब जो फ्लावर होता है उससे ये ऑप्टेन किया जाता है। तो फ्लावर, फ्लावर टॉप्स, लीफ, रेजिन्स, कंप्लीटली हर पार्ट जो है इसका यूज होता है बेटा ये प्लांट का। और इससे प्रोड्यूस होते हैं इसके वेरिएंट जैसे मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा, ये ऐसे अलग अलग टाइप के वेरिएंट हम इस प्लांट से ड्रग के ऑप्टेन कर रहे हैं। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करता है। कैनाबिनाइड्स जनरली अब्यूज है, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन वो लोग इसका यूज करते हैं ताकि अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करना रहा उनको, तो उस टाइम पे स्पोर्ट्स पर्सन यूज करते हैं। बट जनरली हमारा जैसे क्रिकेट जैसा स्पोर्ट्स होता है ना, तो वहां पे ड्रग्स तो किसी स्पोर्ट पर्सन ने लिया तो नहीं है, वो भी चेक किया जाता है, नहीं तो उसको भगा दिया जाता है फिर। ओके, हाँ, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स पर्सन इसे यूज करते हैं, कैनाबिनाइड्स याद रखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा कोका एल्केलॉइड, जिसे कोकेन, कोक और क्रैक कहते हैं। तो ये अलग वाले जो टर्म है ये भी पूछे जाते हैं क्या है ये। ओके, तो जनरली कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका जो है ये प्लांट दिख रहा है, इस प्लांट से इस ड्रग को ऑप्टेन किया जाता है। जनरली ये हमारा क्या कह सकते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, जो मतलब न्यूरोट्रांसमीटर जो डोपामाइन है उसके साथ इंटरफेयर करता है ये। ओके, जनरली कोकेन ये भी स्नोटेड है, इसी तरह से लिया जाता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे देखो
ये ड्रग लेने के बाद ऐसा लगता है कि हम हवा में उड़ने लगे हैं, जो सपनों की दुनिया होती ना, एक पल में सब कुछ पा लेना, जिसे यूफोरिया कहते हैं, आपको बैठे बैठे ऐसा लगेगा कि आपका नीट भी क्रैक हो गया, MBBS भी हो गया और हॉस्पिटल खोल लिए और आप डॉक्टर बन गए और आपके पास लाइन से पेशेंट आ रहे हैं। यूफोरिया, सपनों की दुनिया, उसमें चला जाता है पर्सन, इतना एनर्जी फील होता है, एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है, हाँ संजू में दिखाया बेटा ऐसा, इसलिए मैंने आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर लिया था। एक्चुअली अब लास्ट ईयर का स्लाइड नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता था बहुत सारे एनिमेशन आपको। संजू मूवी हो गई, आशिकी 2 मूवी हो गया, ठीक है, सभी के एनिमेशन छोटे छोटे तोड़ तोड़ के मैंने काट काट के रखा था। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि आप ये वाला जो मेरा लेक्चर है ना, वो आप देखो, इसमें आपको हर एक स्टेप के बाद आपको एनिमेशन दिखेंगे, हर एक स्टेप के बाद। जैसे कि ये वाला है, मिल जाएगा ना बेटा, हाँ। ये ड्रग एडिक्शन की कंडीशन एक ऐसी होती है कि यदि पर्सन ने उसको एक बार ले लिया, ठीक है, तो उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको वहां से निकाल पाना आसान नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक्सेसिव डोज जो होता है कोकेन का, ये कॉज करता है हेलुसिनेशन। क्या कॉज करता है? हेलुसिनेशन। एटोपा, बेलाडोना, धतूरा, इसमें भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। ड्रग जो है जैसे बारबिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजेपाइंस, ये भी जो है मेडिसिनल यूज जो होता है मेंटल इलनेस उसके लिए यूज करते हैं, जो डिप्रेशन और इंसोमिनिया को दूर करता है, लेकिन बाकी के पर्सन इसको एज अ ड्रग एडिक्टेड करके यूज कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा अब्यूज है। जनरली हमारा फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होता है उसको ये अफेक्ट कर देता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग, अच्छा एनिमेशन है ना। अब ये स्मोकिंग की यदि हम बात करें, अब बेटा इसके लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, फ्री में नहीं मिलता है ये सब। ओके, मेहनत भी है, एक्सपेंसेस भी है, उसके बाद ही तो आपको लेक्चर अच्छा मिलेगा, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती है, आप लोगों के पीछे इतना सब करने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये सारी चीज इसलिए है कि आपका रिजल्ट अच्छा है, और मैं भी यही एक्सेप्ट करता हूं कि मेरी मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत करो, और आपसे मैं मेहनत सिर्फ एक ही ले रहा हूं, और वो है आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस। ठीक है, जो टास्क जिस दिन दिया उस दिन कंप्लीट करो। कैसीनो का याद आ रहा होगा पिक्चर देख के आपको, आप बोल रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम तो कैसीनो गए नहीं, तो जरूरी थोड़ी कि जाने वाले पर्सन को याद आएगा। तो देखो बेटा, टोबैको की यदि हम बात करें तो जनरली हर साल, ठीक है, बहुत से पर्सन कैंसर से जो डेथ हो रही है टोबैको की वजह से हो रही है। ठीक है, स्मोकिंग, चीविंग दोनों तरीके से और स्नफ तीनों तरीके से यूज होता है। 400 ईयर पहले से ही पर्सन इसको यूज करते आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स इसमें होते हैं, निकोटीन होता है जो कि एक एल्कलॉइड्स है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करके एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाती है, लोगों को थोड़ा एनर्जेटिक भी फील होता है, अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग लेते हैं इसे। ओके, स्मोकिंग से कैंसर जैसे लंग्स कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, थ्रॉट, एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद भी लोग इसको यूज करते हैं।
चीविंग यदि कर रहे तो देखो कितनी गंदी कंडीशन हो गई, पर्सन ने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। खाओ बेटा तंबाकू, अब क्या होता देखते बैठो, और हर इसमें वार्निंग भी मिली रहती है बेटा, लेकिन फिर भी लोग नहीं सुनते। और स्मोकिंग से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट इंक्रीज होगा हमारे ब्लड में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो गया, तो जितना ऑक्सीजन हमारे बॉडी को जाना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम तो होने वाली है। ओके, ये चीज है। अब ये किन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो एडोलसेंस एक ऐसी कंडीशन है बेटा, अभी आप जिस कंडीशन में हो, टीनी एज कहते हैं जिसे, इसमें ना आपको ऐसा लगता होगा कि हर चीज का मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखूं, या किसी फ्रेंड ने आपको कह दिया ना, उकसा देते, अरे क्या बच्चे ही रहेगा क्या, अभी तक तो बच्चा ही है चला। तो ऐसे इसमें भी जो है, या फिर प्रॉपर गाइडलाइन एजुकेशन मॉनिटरिंग नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से भी जो है एडोलसेंस स्टेज जो होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एडोलसेंस मतलब एक ट्रांजिशन पीरियड, जब एक बच्चा मतलब चाइल्डहुड जब मेच्योरिटी में पहुंचता है, तो उसका एटीट्यूड, उसका बिलीफ ये रहता है कि हर जगह पे अपने सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, बड़ो इफेक्टिव रहने की वजह से कभी कभी वो गलत ट्रैक पकड़ लिया ना, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। और ये आपका चांस बेटा, अभी आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये करके देखता हूँ, वैसा करके देखता हूँ। इसलिए बेटा जो बच्चे सही एजुकेशन में लग गए ना, वो गलत जगह पे नहीं जाते, वो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और अपना कैरियर बना रहे होते हैं, और जो जिसने गलत ट्रैक पकड़ लिया वो तो गया, लाइफ बर्बाद है फिर। तो ये एक लिंक है चाइल्डहुड से एडल्टहुड, एक पीरियड 12 से 18 ईयर के बीच का एज जो होता है, ठीक है, बहुत अपने आप को बचाए रखने वाला होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है। और मेंटल और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जब आपका हो रहा है इस टाइम पे, तो यहाँ पे आपको अपने आप को बचाए रखना है। अभी कैसे रखोगे, तो वही है कि अच्छा एजुकेशन, अच्छी काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए, अपने आप को अपने करियर को बनाए रखने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। अल्कोहल और ड्रग एब्यूज के क्या कॉज हो सकते हैं, तो पहली चीज तो क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन। कई लोगों को लगता है ना, एक बार तो ट्राई करके देखता ही हूं मैं, और कई लोग बोलते हैं अरे तू बच्चे ही रहेगा, एक बार लेके तो देख, गया फिर काम से गया हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह सकते हैं, नीड जो है एडवेंचर और एक्साइटमेंट, ये देखो ये, चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, ओके। कुछ प्रॉब्लम यदि फेस कर रहा है बच्चा, जैसे फियर, एग्जाम का डर, या कोई स्ट्रेस यदि है, तो वो सुना होता है कि नहीं अल्कोहल लेने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, तो एक बार लेके देखता है, बस गया काम से वो भी, ठीक है। कोई प्रेशर यदि उसको है एकेडमिक या एग्जामिनेशन का, टेलीविजन मूवी न्यूज़पेपर इंटरनेट, ये बहुत गंदा तरीका है बच्चों को बिगाड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट नहीं सुनती है और लोग इस पे दिखाते हैं। और आजकल तो बेटा एकदम कॉमन हो गया, जितने भी मूवी सीरियल्स एपिसोड जो भी आ रहे हैं, वेब सीरीज आ रही, सभी में ड्रिंकिंग स्मोकिंग कॉमन हो गया है, ओके। क्राइम तो पहले दिखाते हैं, जिससे लोगों की हैबिट जो नहीं करने वाला भी उसको यूज कर रहा है। और फैमिली का यदि सपोर्ट नहीं है, या फिर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ना, तब भी बच्चा बिगड़ जाता है। और आज के बच्चे तो ऐसे, जिस काम को करने के लिए मना करो खुद करते ही है, वही करते हो, होता है ना, आपके साथ भी ये होता होगा, आपको आपके पेरेंट्स ने जो काम करने के लिए मना किया ना, आप वही करोगे फिर। तो अब इसमें देखो, एडिक्शन और डिपेंडेंस क्या होता है। एडिक्शन मतलब जिसकी हैबिट हो गई है, आप एडिक्ट हो गए हो, और डिपेंडेंस मतलब, थोड़ी देर पहले मैंने आशिकी 2 का एक ट्रेलर दिखाया था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, उसके बिना रह नहीं पा रहा, ऐसा हो गया उसका कंडीशन। तो दोनों में एक डिफरेंसेस है बेटा। एडिक्शन मतलब क्या होता है, पहला डोज आपने लिए एक गिलास 100 ml का लिए होंगे मान लो, फिर धीरे धीरे जब आपका ये आप बढ़ाते जाते हो, और कल को चल के 1 liter भी ले लिए ना, तो आपकी बॉडी के रिसेप्टर जो इनएक्टिव हो गया, वो 1 liter पे भी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। आगे चल के जब तक कि आप उससे ज्यादा डोज नहीं लोगे, तब तक कि आपके बॉडी में वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर आप और ज्यादा लेते हो, जिससे आपका लीवर, किडनी और दूसरे ऑर्गन जो है वो खराब होना चालू हो जाते हैं। तो
यहां पर हम क्या कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है, यूफोरिया मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया आपको, टेम्परली ये अच्छी फीलिंग कराता है बेटा थोड़ी देर के लिए, लेकिन लंबे टाइम के बाद फिर ये फील अच्छी नहीं होती। इस पे रिपीटेड यूज यदि ड्रग का किया तो आपका जो रिसेप्टर है उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा डोज लेने के बाद आपके रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, फिर वो बोलेंगे और लो और लो और लो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिक्शन कहेंगे। तो एडिक्शन और डिपेंडेंस दोनों का मीनिंग समझ लो बेटा, क्या कहलाएंगे, एडिक्शंस। अब डिपेंडेंसी क्या होती है, बिल्कुल पागल हो जाएगा, नहीं मिला ना तो वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, ठीक है, ये कंडीशन बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंस। टेंडेंसी हमारे बॉडी की, ठीक है, जिसमें उसको मतलब क्या, विड्रॉल सिम्टम्स बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं, मतलब रेगुलर डोज यदि ड्रग कर रहा और किसी दिन यदि उसको नहीं दिया गया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो रह नहीं पाएगा, एकदम बॉडी में कपकपाहट आएंगी, स्वेटनिंग होंगी, खलबली मच जाएगी उसकी बॉडी में उसको नहीं दिया गया तो, ऐसी कंडीशन होती है, इसको कहते हैं डिपेंडेंस। ये दोनों डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, एडिक्शन और डिपेंडेंस का मीनिंग क्या है, समझे। तो इसका रिजल्ट रहेगा एंजाइटी, सेकनेस, नोजिया, स्वेटिंग, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और डिपेंडेंसी से बेटा सोशल एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा, वो लोगों के बीच में नहीं रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, लोगों से दूर हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ये सब कंडीशन है। इफेक्ट जो है बेटा ड्रग और एल्कोहल एब्यूज के रेकलेस बिहेवियर होता है। रेकलेस बिहेवियर मतलब क्या होता है जानते हो, रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस, ये थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको, याद है क्या, ये वाला याद आ रहा है, ये कंडीशन तो ये कंडीशन होती है। ऐसे ही होता है बेटा, समझ गए। तो आप अपने आप को बचाए रखो इन सब चीजों से, कॉमा, डेथ तक के हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और कई लोग ड्रग मिक्स करके अल्कोहल यूज करते हैं, कॉकटेल, प्रॉब्लम तो होना ही है। फिर नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, लीवर डैमेज हो जाता है, मेंटल सोशल डिस्ट्रेस, फैमिली फ्रेंड्स सभी से डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, ओके, सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं बेटा, वो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं ना, अलग अलग एक ही इंजेक्शन 10 बार लगाएंगे और 10 लोगों के साथ यूज करेंगे, तो सोचो एसटीडीज का बहुत ज्यादा चांस है फिर, ओके। तो ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। जनरली प्रेग्नेंट वुमेन जो होता है, यदि वो ड्रग यूज करती है तो फिटल अल्कोहल सिंड्रोम जनरली देखने को मिलता है, FAS, ठीक है, बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, सेक्सुअल ड्राइव जो है वो लॉस हो जाता है, एंड नेक्रोस्पर्मिया, स्पर्म के काउंट्स जो है वो कम हो जाएंगे, एक्टिविटी कम हो जाएगा। और जनरली जो एथलेट्स होते हैं ड्रग का मिसयूज करते हैं, ठीक है, ये ड्रग एनाल्जेसिक होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इसमें होता है, डायूरेटिक होते हैं, तो कुछ हार्मोन हमारे मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ा तो रहे हैं, प्रमोट तो कर रहे हैं, एग्रेसिवनेस को बढ़ा तो रहे हैं, बट फर्टिलिटी का लॉस हो रहा है इसमें। वार्निंग साइंस जो है जनरली आप देखेंगे होंगे, तो यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगड़ गया बच्चे का, इंटरेस्ट जो है पर्सनल हाइजीन पे चला गया, कहीं पे भी पढ़े मिलेंगे देखना, उनको कुछ पता ही नहीं रहेगा क्या होता है, वो विड्रॉन एंड आइसोलेटेड रहेंगे, लोगों से दूर चले जाएंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, अग्रेसिव रहेंगे, रेबलियस बिहेवियर देखने को मिलेगा, स्लीपिंग ईटिंग हैबिट बदल जाएगी उनकी, वेट लॉस फ्लक्चुएशन हो जाएगा एपेटाइट में, इंटरेस्ट अपनी हॉबी से दूर हो जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप फैमिली फ्रेंड्स से सब बिगड़ जाएगा,
ये सारी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट जनरली कई लोग एनाबोलिक स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, है ना, देखे होंगे आपने जिम वाले पर्सन जो रहते हैं ना वो यूज करते हैं। तो अब यहां पर यदि हम देखें तो मेल में एक्ने ये इस तरह से कंडीशन देखने को मिलती है, एग्रेसिवनेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, साइज में स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया, किडनी लीवर डिसफंक्शंस हो जाएंगे, क्या है दाढ़ी मूंछ आने लगेगी फीमेल में, एग्रेसिवनेस हो जाएगा, मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, एक्सेसिव हेयर जो है ये देखो दिख रहा है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी, वॉइस जो है चेंज हो जाएगी, क्लाइटोरियस जो है ठीक है पहले क्या था और बाद में देखो कितना एनलार्ज हो गया क्लाइटोरियस, ये कंडीशंस भी जो है देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट यदि हम देखें एनाबोलिक स्टेरॉइड्स का और आगे मेल और फीमेल में, तो आप देखिए ये इतने सारी जो प्रॉब्लम्स है, फेशियल बॉडी एक्ने, ग्रोथ जो है जनरली बोन्स में, देखो हर चीज में प्रॉब्लम आना ही है। तो अब आपको समझ में आ गया बेटा, और ये चैप्टर हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपके लाइफ में भी इसका सही इफेक्ट हो, गलत इफेक्ट ना हो। ज्यादा स्टेरॉइड लोगे तो प्रॉब्लम तो होंगे ना बेटा। प्रिवेंशन कंट्रोल यही है कि ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए बच्चों को, प्रॉपर एजुकेशन और काउंसलिंग दी जाए जो मैं आपको दे रहा हूं अभी, पेरेंट्स भी हेल्प करें बच्चों के साथ, एक फ्रेंड्स की तरह बिहेव करें, नहीं तो आप देखना इस टाइम पे एक छोटा सा कोना होता है अपना मोबाइल फोन और अपना कमरा होता है, लोगों से अपने आप को अलग कर लिया जाता है, पेरेंट्स कुछ बोले तो बच्चा उन पे चिढ़ने लगता है, आज के टाइम पे ऐसी कंडीशन आपकी होंगी, बट ऐसा नहीं करना बेटा ठीक है। प्रोफेशनल्स जो होता है या मीडिया उनसे भी हेल्प ले सकते हो आप चाहो तो, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट इनका यूज, ताकि एडिक्शंस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो चलाए जा रहे हैं इससे आपको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो ये था बेटा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, काफी लंबा गया आपका ये चैप्टर, बट लेंथी नहीं था, थ्योरेटिकल था, बट कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा के समझाना जरूरी था इसलिए मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स समझाए और फाइनली ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब कितने चैप्टर रह गए बेटा हमारे, दो चैप्टर रह गए हैं, एक बायोटेक और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोटेक में दो है तो आप उसको तीन कंसीडर कर सकते हैं या फिर एक कंसीडर कर सकते हैं ओके। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ये है हमारा, और बायोटेक दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। हाँ, फ्रॉग और अर्थवॉर्म का हमें रिवीजन करना है तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको फ्रॉग और अर्थवॉर्म को रिवाइज करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चालू कर देंगे। तो आप लोग फ्रॉग और अर्थवॉर्म जो है वो पढ़ के आएंगे, बहुत ईजी है, आसान है, अच्छा है, आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है बेटा। नेक्स्ट टेस्ट पोर्शन जो रहेगा अभी, नेक्स्ट टेस्ट शायद आपका रिवीजन वाला आने वाला है, एम राइट और नो? यदि रिवीजन, अभी रिवीजन टेस्ट तो जस्ट हुआ होगा ना आपका, हाँ। नेक्स्ट चैप्टर रिवीजन में सेल बायोलॉजी आएगा, सेल बायोलॉजी में क्या क्या रहेगा, सेल डिवीजन, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल। इसके अलावा 11th का और कोई पोर्शन बचा है क्या, या 11th कंप्लीट हो गया आपका? ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक साथ रहेगा नेक्स्ट इसमें, इस बार सिर्फ सेल बायोलॉजी है ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी हो गया कंप्लीट या कुछ रह गया प्लांट फिजियोलॉजी में? प्लांट तो टोटल हो गया ना हमारा, प्लांट किंगडम, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट फोटोसिंथेसिस, जितना भी प्लांट वाला सारा हो गया था क्या?
मुझे याद नहीं आ रहा अभी। हाँ तो अभी सेल बायोलॉजी रहेगा, नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी रहेगा, उसके बाद फिर ट्वेल्थ के जो पोर्शन रहेंगे वो रहेगा रिवीजन में, और करंट सिलेबस में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ही आएगा क्योंकि एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन और माइक्रोब्स वेलफेयर दोनों हो गया है हमारा। ओके ठीक है, तो फिर हम ट्वेल्थ वाले पार्ट पे जंप करेंगे, या तो ट्वेल्थ वाला पोर्शन पे जंप करेंगे या फिर रिवीजन शेड्यूल चालू हो जाएगा आपका। और एक और चीज बेटा, बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को जो प्रोवाइड कर रहा हूं, क्या चीज, जो रिवीजन टेस्ट सीरीज जो है और चैप्टर वाइज एनालिसिस, बेटा चैप्टर वाइज एनालिसिस में आप अपना 100% दो। चैप्टर वाइज एनालिसिस जो है नीट पेपर जो मैं आपको दे रहा हूं, ईमानदारी से पहले पढ़ के बिना देखे उसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद फिर एनसीईआरटी से देख के सिर्फ पेज नंबर लिखो, और एक पेज ये और दूसरा पेज ये सेंड करो। फिर आज मैं आप लोगों को डाइजेशन का सॉल्यूशन पेपर जो है, ठीक है, आंसर की विद एक्सप्लेनेशन, ये शेयर करूंगा। आप अपना रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट शेयर करेंगे, और ब्रीथिंग में सेम, मतलब हर दिन आपको 3 पेज शेयर करना है मुझे, एक रिजल्ट वाला पेज और 2 पेज है। हाँ बेटा, जिसका जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे अभी टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, मैं आपको वैसे भी अपना ये जो लिंक है ये आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगेन 3 बजे डाइजेशन का डेडलाइन है, याद रखोगे। और जितने लोगों का हो गया बेटा, मैं आगे का नेक्स्ट टॉपिक भी शेयर कर दे रहा हूँ आपको थोड़ी देर में, ब्रीथिंग में आपको शेयर कर दूंगा, तो ब्रीथिंग आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और डाइजेशन का भी मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो डाइजेशन जो है आपको रिजल्ट बना के भेजना है। बट सभी लोगों के रिस्पॉन्सेस मिलना चाहिए यार, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मजा नहीं आएगा। ओके, किसी का कुछ प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट करो मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम है कॉन्टेक्ट मी। चलो तो एंड करें फिर आज का क्लास, या कुछ पूछना है किसी को अभी पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है। कल अर्थवर्म फ्रॉग पढ़ के आइए, कल भी क्लास रहेंगे हमारा, ये मत सोचना कल क्लास नहीं होगा, आइडिया नहीं बेटा अतर मुझे इसका। बेटा वो सजेस्ट करने से बेटर ये है कि वो ड्रग्स दे दे। हाँ, 3 पेज शेयर करना है आपको हर दिन, 3 पेज शेयर करना है हर दिन। पहला पेज आपका रिजल्ट, सेकंड पेज असाइनमेंट को टेस्ट के फॉर्म में देना, 1 2 3 4 5, सिर्फ ABCD जो देख के नहीं देना आपको। थर्ड पेज एनसीईआरटी का नंबर, किस पेज नंबर पे, ये आप देख के कर सकते हो। ये वाला कब करोगे, जब ये वाला हो जाएगा तब। और रिजल्ट जो है वो कौन सा, पास्ट असाइनमेंट का, ऑब्वियसली बेटा होगा, डाइजेशन पे, स्टूल पासिंग पे, हर चीज पे अफेक्ट होगा। चलो थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू बेटा आर्यन।